ओके आज हम लोग फार्मेसी पढ़ेंगे। फार्मेसी में एक नया चैप्टर दैट इज पोसोलॉजी। लास्ट टाइम पे हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे दैट वाज ड्रग मेडिसिन एंड रेमेडी रिलेशनशिप, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडी रिलेशंस लाइक इनिमिकल, कम्प्लीमेंट्री एंड जो रेमेडी एक दूसरे को फॉलोज वेल करती हैं, ठीक है, इस तरह की रेमेडीज़ के बारे में हम लोगों ने लास्ट टर्न पे बात की थी। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पोसोलॉजी। ठीक, ग्रीक वर्ड, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि पोसोलॉजी की ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति क्या है। तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसमें ग्रीक में क्या था, पोसोस प्लस लॉगी मीन्स लोगोस, ठीक है। पोसोस का अगर मतलब देखें हम लोग लिटरल मीनिंग, तो पोसोस का लिटरल मीनिंग होता है कि हाउ मच, कितना देंगे दवाई मरीज को, ठीक है, इसको बोलते हैं हाउ मच। ग्रीक हम लोग और याद रखेंगे, दो शब्द और हैं हम लोग के यहाँ सिलेबस में, लाइक एक जो आर्गेनम है, ठीक है, जिसे आर्गेनन की ओरिजिन हुई है, एंड सिम्टोमा, जिसे सिम्टोमेटोलॉजी बोलते हैं। ये दोनों भी ग्रीक से ही इनकी ओरिजिन है, ठीक है। तो ये वहीं हम लोग किनारे ये भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है हम लोग कि ये कौन से भाषा का शब्द है, कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये ग्रीक से इसकी ओरिजिन है, और इसकी आर्गेनन और सिम्टोमा की भी ग्रीक से है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पोसोलॉजी है क्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम लोग का मतलब जो होम्योपैथ हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है कि ठीक है, रेमेडी सेलेक्ट तो कर लिया, रिपर्टराइज भी कर लिया, और फाइनली एक सिमिलिमम रेमेडी पता भी चल गई, अब उसको कितनी पोटेंसी में दें, ठीक है। तो पोटेंसी कैसे सेलेक्ट करनी है, ये पोसोलॉजी में हम लोग बात करेंगे। इवन आर्गेनन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई जगह हम लोग को मिनिमम स्टेटमेंट ये दिखा मिलेगा, क्या कि मिनिमम डोज का यूज़ करिए, ठीक है, ये बात लिखी गई है बाय आवर मास्टर सैमुअल हिनमैन। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब ये मिनिमम डोज कितना होना चाहिए, ये अपने एक्सपेरिमेंट एंड अपने एक्सपीरियंस से पता लगाइए, ठीक है। तो हम लोगों का तो एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन हम लोगों से पहले जो हम लोगों के स्टालवर्ट्स हुए हैं उन्होंने कुछ डायरेक्शन दी है कि कैसे मिनिमम डोज, कैसे पोटेंशियल को सेलेक्ट करेंगे, वो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पोसोलॉजी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ डोजेज ऑफ रेमेडी, या रेमेडी की ही बात करेंगे हम लोग, क्योंकि जो आप जो दवाई देने जा रहे हैं उसकी क्या डोज होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली आपको कहीं कहीं मेडिसिन भी लिखा मिल सकता है। तो रेमेडी, मेडिसिन और ड्रग में अंतर क्या है, तो ड्रग जब तक कोई भी सब्सटेंस प्रूविंग नहीं हुई है हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे तब तक उसे ड्रग बोलते हैं, जब वही सब्सटेंस प्रूव हो जाता है तो उसे मेडिसिन, और जब फाइनली आप उसी सब्सटेंस को किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं देन उसे रेमेडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कई बार, इवन रिपीट भी हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि पोसोलॉजी मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ डोजेज, इसे सबसे पहली बार आर्गेनन के 6th एडिशन में पब्लिश किया गया, ठीक है, आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में। अगेन एक स्टेटमेंट है, किसका, पैरासिलस का स्टेटमेंट है। पैरासिलस क्या बोलते हैं कि पॉइजन इन एवरीथिंग, जहर हर चीज में है, एंड नथिंग इज विदाउट पॉइजन,
कोई भी चीज़ बिना जहर के नहीं है। ठीक है, डोज मेक इट पॉइजन आर रेमेडी, स्टेटमेंट पूछा जा चुका है स्टेट पीएमटी, सॉरी स्टेट पीएससी में। ठीक है, पीएससी के एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि पॉइजन, ये जो स्टेटमेंट है पॉइजन इन एवरीथिंग नथिंग इज विदाउट पॉइजन, किसका स्टेटमेंट है, इसको हम लोग समझें कि है क्या। तो पैरासेल्स क्या बोलते हैं कि हर चीज़ में जहर है, कोई भी चीज़ बिना जहर के नहीं है, उसे जहर या दवाई कौन सी चीज़ बनाती है, उसका डोज बनाता है। ये बहुत पुरानी कहावत है, आप सुने होंगे कि अगर सही मात्रा में यूज़ किया जाए तो जहर भी दवाई का काम करता है। ये मोटी मोटा लगभग वही बात है, हम लोग याद रख सकते हैं ऐसे कि डोज मेक इट पॉइजन आर रेमेडी। ठीक है, तो ये हो गई बात, कौन सी बात कि पोसोलॉजी क्या है और इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं डोज, डोज कहते किसको हैं। ठीक है, डोज जो दवाई आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट को आप मेडिसिन दे रहे हैं खाने के लिए दवाई, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी पोटेंसी कितनी है, कितनी पोटेंसी में दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए कि कोई भी रेमेडी कितनी पोटेंसी में दी जानी चाहिए। ठीक है, इवन बिगनर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क रहता है कि रेमेडी तो फाइंड आउट हो गई लेकिन अब उसका पोटेंसी कितनी देनी है। ठीक है, तो पोटेंसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पोटेंसी के बारे में अभी हम लोग पूरा डिटेल बात करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि डोज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो डोज में क्वांटिटी, पोटेंसी एंड फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या है कि आप मेडिसिन जो यूज कर रहे हैं, जो पेशेंट को आपने दवाई दिया है खाने के लिए, आप उसको लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं या ग्लोब्यूल्स के साथ यूज कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं फॉर्म। ठीक, एंड नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप मेडिसिन, कितनी बार आप उस दवाई को खिला रहे हैं पेशेंट को, ये सारी चीज़ें डोज में आती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक स्टेटमेंट क्या है कि वेल सेलेक्टेड रेमेडी, आपने केस लिया, पूरा लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री ली, बर्थ से लेकर के अभी तक जो भी कंप्लेंट है पेशेंट की आपने लिया, नोट डाउन किया, फाइनली आपने रिपर्टराइज किया, रिपर्टराइजेशन के जो भी स्टेप्स हैं लाइक केस टेकिंग के बाद आपने रिकॉर्ड एंड इंटरप्रिटेशन किया, फिर क्लासिफिकेशन किया सिम्टम का एंड उन्हें इवेल्युएट किया, फिर आपने डिफाइन भी कर दिया पेशेंट को कि ये कंप्लेंट है, ये समस्या है जो भी है, एंड देन आपने एक टोटलिटी भी बना ली और फिर उस टोटलिटी के बेस पे आपने रिपर्टरी भी सेलेक्ट कर ली, फाइनली आपको रिपर्टोरियल रिजल्ट भी मिल गया और एक सिमिलमम रेमेडी भी मिल गई। तो ये रिपर्टराइजेशन के जितने भी स्टेप्स हैं उन्हें आपने फॉलो करके वेल सेलेक्टेड रेमेडी पता कर ली, लेकिन ये वेल सेलेक्टेड रेमेडी में फेल, आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। कब? इफ डोज इज नॉट प्रॉपर, अगर डोज ठीक से नहीं है, ठीक है, तो वो सारी मेहनत आपकी बेकार कर देगा। जैसे एग्जांपल्स क्या हैं, ओपियम, ओपियम को आप लार्ज डोज में देंगे तो ये स्लीप प्रोड्यूस करता है एंड इसका जो नार्कोटिक एक्शन है वो भी देखने को मिलता है, बट जब आप इसे मिनिमम डोज में यूज करेंगे
या स्मॉल डोज तो इसी चीज़ को ये ठीक भी करता है। क्योर द अबव, अबव का मतलब इसको, स्लीप और नारकोटिक्स को ठीक भी करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेमेडी सिलेक्शन नहीं, पोटेंसी सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। हम लोग पोटेंसी कैसे सेलेक्ट करेंगे इनके बारे में बात कर रहे हैं। फैक्टर इन सेलेक्शन ऑफ डोज। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर ससेप्टिबिलिटी, किसकी? पेशेंट की। ससेप्टिबिलिटी एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है जो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिससे हमको ये पता चलता है कि अभी गर्मी है कि ठंडी है, तो ये होनी भी चाहिए हर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन बार बार इसको डिजीज़ में क्यों नाम लेते हैं? क्योंकि अगर ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज कर गई है नॉर्मल से या नॉर्मल से डिक्रीज कर गई है तो वो डिजीज स्टेट है। जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगनी चाहिए और ठंडी का मौसम है तो ठंडी का भी पता चलना चाहिए। लेकिन अब हरदम किसी को गर्मी ही लगे जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा, तो ये एबनॉर्मल है। या किसी को ठंडी ही बहुत ज़्यादा हमेशा लगे जा रही है तो ये भी एबनॉर्मल है। तो पहला फैक्टर ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी कैसे डिसाइड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंसी के। ठीक है, ये भी पूछा गया है पहले। कैसे? कि अगर पहला फैक्टर है लाइक एज, कोई बच्चा आपके पास आया है, चाइल्ड का केस है, तो ऐसे में आप हाई पोटेंसी यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ओल्ड पर्सन है तो उसमें आप लो पोटेंसी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ससेप्टिबिलिटी कम है। सेकंड फैक्टर जो है वो टेम्परामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परामेंट्स। ये टेम्परामेंट जो हम लोग रिपर्टरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि हाई पोटेंसी कौन से टेम्परामेंट में यूज करेंगे हम लोग। तो जो नर्वस टेम्परामेंट है लाइक इग्निशिया। ठीक है, नर्वस टेम्परामेंट क्या होते हैं? ऐसे जो लोग जो फास्टिडियस होते हैं, जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं, कोई भी काम जल्दी जल्दी हड़बड़ी में, नर्वस टेम्परामेंट, ऐसे लोगों में हाई पोटेंसी यूज़ करनी है। सेंग्विन, जिनमें ब्लड की अधिकता है या ब्लड है ही नहीं, क्लोरोटिक टेम्परामेंट। ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन, ऐसे लोग में हाई पोटेंसी यूज करना है। एंड माइल्ड पोटेंसी किस में यूज करेंगे? ओवर सेंसिटिव, एंड जो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट होते हैं, याद करिए एफोरिज्म 117 पढ़ेंगे हम लोग आर्गेनन में। इडियोसिंक्रेटिक जो हर मेडिसिन को प्रूव करने लगते हैं, उन्हें माइल्ड पोटेंसी देंगे। ठीक है, एंड लो पोटेंसी किसे देंगे? लो पोटेंसी जो फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट के होंगे। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट एलन की नोट में कहाँ लिखा गया है? पल्सटिला में। ठीक है, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट यानी कि जो लोग स्लो होते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को लो पोटेंसी देनी है। तो पहला फैक्टर ससेप्टिबिलिटी का रोल क्या है, एंड एक और इसमें फैक्टर है ए बी सी भी है। सी में क्या है? पैथोलॉजिकल स्टेट, पैथोलॉजिकल स्टेट
में अगर ग्रास पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ग्रास पैथोलॉजिकल चेंजेस तो ऐसे में लो पोटेंसी यूज करनी है। ठीक है, तो ये ससेप्टिबिलिटी की बात है। ससेप्टिबिलिटी कैसे किसी पेशेंट की पोटेंसी सिलेक्शन में हेल्प करती है, और फैक्टर को हम लोग यहीं लिख ले रहे हैं लाइक सीट ऑफ डिजीज़, बीमारी कहाँ पर है, अभी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या कैसे सेलेक्ट करेंगे। थर्ड, नेचर एंड इंटेंसिटी क्या है डिजीज़ की, एंड फोर्थ ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, कितना दिनों से बीमारी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं, इन फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज इतना ही, ये फैक्टर्स के बारे में हम लोगों को बात करनी है नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।